तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दो तरह के चाट, पापड़ी चाट और आलू चाट, वो भी एक ही इंग्रेडिएंट से, और साथ में चटनी भी बनाऊंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मई चैनल सोनी स्वदेशी किचन एंड ब्लॉग। तो होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं हूँ प्रियंका। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं खट्टी मीठी चटनी बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कप इमली का पल्प निकाल कर ले लिया है, और इमली को मैंने दो घंटा के लिए भिगो कर रख दिया था, उसके बाद इसका पल्प निकाल लिया था। उसके बाद इसमें मैंने आधा कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे एक छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और एक छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और चार बड़े चम्मच से चीनी, और सबको मिक्स करके चला लेंगे। और ये पकने के बाद कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, और इसको अभी मैं और पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये गाढ़ी हो गई है, तो चटनी हमारा बनकर रेडी है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। इधर मैंने तीखी चटनी बनाने के लिए कश्मीरी रेड चिली 10 से 12 ले लिया है, और इसको मैंने दो घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए इसको हम मिक्सी जार में डाल देते हैं। तो पानी से निकाल कर इसमें डाल लेते हैं, और थोड़ा सा पानी चला जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल कर ही पीसूँगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, लहसुन का कलिया लिया है करीब 30, और उसके बाद यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच से लेमन जूस ले लिया है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और इसको मैंने पीस लिया है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था पीसने के टाइम, और ये देखिए ये तीखी चटनी बनकर रेडी है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही यूज कर सकते हो चाट में डालने के लिए, लेकिन इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसका हम तड़का लगाएंगे। तो पहले हम हरी चटनी को पीस लेते हैं, उसके बाद इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता ले लिया है थोड़ा सा, और इसको कट कर लेते हैं। तो मोटा मोटा ही इसको कट करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो इसको हम कट कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें हम चार हरा मिर्च लेंगे, इसको भी कट करके इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम लहसुन लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस लेंगे, और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको पीस लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डालकर पीस लिया था। तो ये देखिए ये पीस कर रेडी है। उसके बाद इसमें हम एक छोटी चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। इससे क्या होगा कि चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बनाकर। तो चलिए हरी वाली चटनी भी बनकर रेडी है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, और जो तीखी चटनी मैंने बनाया है उसमें हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच से घी ले लिया है, और घी को गर्म करने के बाद चटनी को इसमें डाल दिया है। तो चटनी को थोड़ा देर पकाएंगे, और थोड़ा सा जो कटोरी में लगा हुआ था चटनी उसको पानी डालकर इसमें डाल दिया है। तो 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेंगे, और घी रिलीज हो जाएगा, और थोड़ा सा ये गाढ़ी हो जाएगा, तो ये चटनी बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से घी रिलीज हो चुका है, और चटनी भी हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। तो चलिए चटनी हमारा बनकर रेडी है। तो यहाँ पर देखिए तीनों चटनी बनकर रेडी हो गया है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पापड़ी बनाने के लिए 2 कप मैदा ले लिया है, और अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और एक छोटी चम्मच अजवाइन लेंगे, और इसको थोड़ा सा क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद 3 बड़े चम्मच से घी ले लेंगे, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था, और चलिए इसको अब मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो तैयार कर लेते हैं। और डो को ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको रेस्ट भी करना नहीं है, डायरेक्ट इसको हम बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मुझे आधा कप से ज़्यादा पानी लग गया है इसका डो बनाने में, और मैंने 1 कप पानी लिया था तो इतना पानी बच गया था। और उसके बाद इधर छोटा छोटा लोई तैयार कर लेंगे, और छोटा छोटा ही बेल लेंगे इसको। आप चाहो तो कोई भी छोटा सा ढक्कन लेकर इसका गोल गोल साइज का बना सकते हैं। मैंने बस ऐसे बना दिया है इसको। और क्या करेंगे, इसको फॉर्क की मदद से बीच में से हॉल कर देंगे। तो सब में ऐसे ही हॉल कर देंगे, और थोड़ा सा मैंने भी बना लिया है, और बाकी का मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने सबको रेडी कर लिया है, अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो तेल को मैंने गर्म कर लिया था, अब इसमें पापड़ी को डाल देंगे। तो सबको डाल देंगे,
जितना तेल में आ जाए उतना इसमें डाल देंगे। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और इसमें सुनहरा कलर आने देते हैं। तो यहाँ देखिए सुनहरा कलर इसमें आ गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो चलिए दूसरा बैच भी ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेते हैं। और ये आपको थोड़ा सा मठरी जैसा भी लग रहा होगा क्योंकि मेरे बच्चे ने क्या किया था, इसमें ज़्यादा ही होल कर दिया था, मतलब ज़्यादा ही छेद कर दिया था, एकदम बारीक बारीक जो बचा हुआ था आटा उसको मैंने बाद में जब बनाया तो मैं बेल रही थी और वो लोग छेद कर रहा था, तो इस वजह से ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको ज़्यादा ही छेद दिखाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा छेद करें, ज़्यादा ना करें। तो यहाँ पर मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम खस्ता बना था और पापड़ी थोड़ा सा खस्ता ही बनना चाहिए ताकि तोड़ने से वो अच्छे से टूट जाए। तो इधर मैं चाट के लिए मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो एक छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, एक छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और एक छोटी चम्मच काला नमक, और सबको मिक्स कर लेते हैं। तो ये बनकर रेडी है। इधर मैंने पापड़ी चाट बनाने के लिए सारा इंग्रेडिएंट रेडी करके रखा है, मैं बनाते समय आपको बताते जाऊंगी। और इसकी सारी इंग्रेडिएंट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले प्लेट में पापड़ी को ले लेंगे और इस तरह से लगा देंगे प्लेट में, और उसके बाद तीखी चटनी ले लेंगे। और तीखी चटनी आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद हरी वाली चटनी ले लेंगे थोड़ा सा, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। और उसके बाद खट्टी मीठी चटनी भी ले लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद बॉईल किया हुआ आलू ले लेंगे जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा टमाटर ऐड कर देंगे जिसको भी मैंने छोटे छोटे पीस में काट कर ले लिया है। उसके बाद प्याज ऐड कर देंगे जिसको मैंने बारीक काट कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा हरी वाली मिर्च ले लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अदरक ले लेंगे। उसके बाद जो मैंने मसाला बनाया था वो ले लेंगे। उसके बाद पापड़ी को थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे। थोड़ा सा बॉईल किया हुआ आलू फिर से लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा तीखी वाली चटनी, और खट्टी मीठी चटनी भी ले लेंगे, थोड़ा सा हरी वाली चटनी ले लेंगे, और थोड़ा सा प्याज ऊपर से फिर से ले लेंगे। और उसके बाद इसमें दही ले लेंगे। तो दही को मैंने मिक्स कर लिया था थोड़ा सा चीनी डाल के पहले ही, और उसके बाद थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। तो उसके बाद सेव या भुजिया से गार्निशिंग कर देंगे। तो पापड़ी चाट बनकर रेडी है खाने के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं आलू चाट। तो यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ आलू ले लिया है, और जितना आपको चाट बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप आलू ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक बड़े से बॉल में ले लेते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हरा मिर्च ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा अदरक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैं खट्टी मीठी चटनी ले रही हूँ और हरी वाली चटनी ले रही हूँ और ये लाल चटनी ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पापड़ी ले रही हूँ तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा मसाला जो मैंने बनाया था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा दही। अगर आपको दही पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए सबको मिला लेते हैं अच्छे से। तो अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे अपने स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा चाट मसाला। तो चलिए इसको फिर से एक बार मिला लेते हैं अच्छे से। तो चलिए अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट के हिसाब से इसको बनाया है, अगर आपको जितना बनाना है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से प्याज डाल देंगे, और थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हरा वाला चटनी लेंगे, थोड़ा सा खट्टी मीठी चटनी लेंगे, थोड़ा सा लाल चटनी लेंगे, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तब इसमें सेब डाल देंगे, आप इसके जगह भुजिया आता है वो भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। और ऊपर से थोड़ा सा दही डाल देंगे,
और थोड़ा सा मसाला जो मैंने बनाया था उसको डाल देंगे। तो आलू चाट खाने के लिए बनकर रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और आप लोग को कौन सा चाट पसंद आया, आलू चाट या फिर पापड़ी चाट, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।